संरक्षण में उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चमोली पर्यटन विकास मेले का उद्घाटन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली के सीमांत क्षेत्र लोहाजंग में पूर्व विधायक शेर सिंह दानू की स्मृति में आयोजित सांस्कृतिक औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले का उद्घाटन और नारायण बगड़ के कफार तीर में प्रथम विक्टोरिया क्रॉस बीसी दरवान सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव में प्रतिभाग किया। सीएम त्रिवेंद्र ने कफार तीर में प्रथम विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीसी दरवान सिंह नेगी की स्मृति में मेले का आयोजन करने पर समिति को बधाई देते हुए मेले को राजकीय मेला घोषित करने और हर साल मेले के आयोजन हेतु 5 लाख देने की घोषणा की। द्वितीय केदार भगवान महामहेश्वर डोली आगमन पर पहुंचे सीएम। रुद्रप्रयाग में भगवान महामहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के हिमालय से ऊखीमठ आगमन पर लगने वाले त्रिदिवसीय मेले के दूसरे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 80 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही गौंडार, चिलौन और तोशी गांवों को यातायात से जोड़ने, 2022 तक गुप्तकाशी और ऊखीमठ में हर घर में पानी का नल और ब्राह्मण खोली के लिए 2 किलोमीटर मोटर मार्ग की घोषणा की। इस अवसर पर सीएम रावत ने कहा कि महामहेश्वर मेला अपने में भव्य रूप से संजोया हुआ है। इस मेले में शामिल होने से अपार आनंद की अनुभूति हुई है। उत्तराखंड देव भूमि में वर्ष भर त्योहार मनाए जाते हैं और मेले के आयोजन से आपसी सौहार्द बना रहता है। हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम। ऑल इंडिया सोसाइटी ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष को देश के कई प्रदेशों में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून के ONGC सभागार में होने वाले 2 दिवसीय युवा सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, इलाहाबाद से BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, हेमवती नंदन बहुगुणा के पौत्र सितारगंज से BJP विधायक सौरभ बहुगुणा, देहरादून के मेयर सुनील उनवाल गामा समेत कई विधायक मौजूद रहे। जाट महासभा भवन का शिलान्यास। देहरादून के कारगी चौक पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जाट भवन का शिलान्यास कर और निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। जाट समाज के इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह, मेयर सुनील उनियाल गामा और विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राजधानी देहरादून में जाट समाज के लोग अपना अतिथि गृह बना रहे हैं। हर समाज के लोगों की इच्छा होती है कि उनका अपना कोई भवन या धर्मशाला हो, ये एक अभिमान का विषय होता है। इस अवसर पर सीएम ने जाट समाज के लोगों को बधाई भी दी। थाली गिलास योजना का उद्घाटन। हंस फाउंडेशन एक बार फिर उत्तराखंड और सरकार के लिए मददगार बना है। इस बार हंस फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 2,197 विद्यालयों के 2 लाख स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए थाली और गिलास दिए हैं, ताकि बच्चों को अपने स्कूल बैग में किताब की जगह थाली और गिलास न लाना पड़े। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए थाली गिलास स्कूली बच्चों को देकर योजना का उद्घाटन किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, शिक्षा निदेशक के साथ तमाम शिक्षक और बच्चे मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंस फाउंडेशन और भोले जी महाराजा माता मंगला जी का आभार जताते हुए कहा कि आज उत्तराखंड की सेवा में हंस फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभा रहा है।
सितारगंज